तो कमल पर बवाल है, सियासी सवाल है, क्या बीजेपी से सियासी दुश्मनी निभाते निभाते कांग्रेस को देश के नेशनल सिंबल से भी आपत्ति हो गई है? यह सवाल हम नहीं बल्कि बीजेपी उठा रही है। यह सवाल क्यों? यह सवाल इसलिए क्योंकि भारत में अगले साल होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लोगो यानी कि जो चिन्ह होता है, G20 का एक चिन्ह होता है, वो लोगो देश के प्रधानमंत्री ने जारी किया और कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साध लिया। बीजेपी ने कमल के फूल पर आपत्ति जताने पर कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। कांग्रेस का कहना है कि यह बेशर्मी है, बेशर्मी। दरअसल एक ट्वीट जयराम रमेश का आया, जयराम रमेश कांग्रेस के दिग्गज नेता, उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में इसका जिक्र किया। जयराम रमेश ने ट्वीट करके लिखा कि ये G20 का लोगो, ये आप देख रहे हैं, G20 का लोगो अब बीजेपी का लोगो बन गया है और G20 का लोगो अब बीजेपी का लोगो बन गया है, ये आपके सामने ट्वीट। बीजेपी अपने प्रचार का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है एक वैश्विक संगठन की मेजबानी के लिए जारी लोगों पर कमल की फोटो बेशर्मी के साथ लगाई गई है। यह जयराम रमेश का ट्वीट आप देख रहे हैं और इसके बाद एक ट्वीट और भी आया और वो ट्वीट हरदीप सिंह पुरी का था और वो ट्वीट यह है कि 1950 में कांग्रेस सरकार ने ही कमल को राष्ट्रीय फूल घोषित किया था। जयराम रमेश का जन्म 1952 में हुआ, भगवान जाने क्यों कांग्रेस पार्टी हर राष्ट्रीय चिन्ह को बदनाम करती है। यह हरदीप सिंह पुरी का ट्वीट है, यानी कि एक तरफ से वार और दूसरी तरफ से पलटवार हो रहा है। यह ट्वीट्स का जिक्र हमने किया, लेकिन यहां इस पूरे मसले को लेकर जो सियासी संग्राम छिड़ा है उसकी दास्तान हम आगे आपको बताएं। उससे पहले जब इस ट्वीट के पहले देश के प्रधानमंत्री ने बकायदा ऐलान किया था, वो जो लोगो है जिस लोगो का हम जिक्र कर रहे हैं कमल के फूल का, वो लोगो जब जारी किया था तब उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था वो आपको सुनाते हैं और फिर हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या वाकई में कांग्रेस जो बात कह रही है कि हर बात पर अपने चुनाव चिन्ह और हर मामले में इवेंट बनाने की कोशिश बीजेपी करती है। पहले सुनिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त क्या कुछ कहा था। साथियों, G20 का ये लोगो केवल एक प्रतीक चिन्ह नहीं है, ये एक संदेश है, ये एक भावना है जो हमारी रगों में है, ये एक संकल्प है जो हमारी सोच में शामिल रहा है। वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के जरिए विश्व बंधुत्व की जिस भावना को हम जीते आए हैं, वो विचार इस लोगो और थीम में प्रतिबिंबित हो रहा है। इस लोगो में कमल का फूल भारत की पौराणिक धरोहर, हमारी आस्था, हमारी बौद्धिकता, इन सबको एक साथ चित्रित कर रहा है। हमारे यहां अद्वैत का चिंतन जीव मात्र में एकत्व का दर्शन रहा है। ये दर्शन आज के वैश्विक द्वंद्वों और दुविधाओं के समाधान का माध्यम बने। इस लोगो और थीम के जरिए हमने ये संदेश दिया है, युद्ध से मुक्ति के लिए बुद्ध के जो संदेश है, हिंसा के प्रतिरोध में महात्मा गांधी के जो समाधान है,
G20 के जरिए भारत उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊर्जा दे रहा है। तो कमल पर सवाल, सियासी बवाल सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ अश्वनी शाही जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के तेजतर्रार चेहरों में से एक हैं। मुन्ना खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। साथ ही अरमिंदर बिष्ट हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, आम आदमी पार्टी के युवा चेहरे। और प्रेम कुमार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे जो अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले मैं खान साहब इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, ये फ्लावर पर इतना फायर क्यों हो गई कांग्रेस? नहीं, फ्लावर पे इसलिए फायर हुए कि फ्लावर से अभी देश बर्बाद हो रहा है, देश के युवा बेरोजगार हो रहे। अच्छा, फ्लावर से देश के युवा? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। फ्लावर एक ऐसा चिन्ह बन चुका है जिसको देखते ही धड़कने तेज हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। हाँ। इसलिए फ्लावर से नुकसान हो रहा है। और कोई बात नहीं, जितने फ्लावर से झूठ बोले गए, जितने बीजेपी नेताओं के द्वारा जुमले उछाले गए देश के अंदर, आज आप ये देख लो, आप एक मतलब धरातल पे आज कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा, जहाँ जहाँ फ्लावर होगा वह सब हटा देंगे आप? नहीं नहीं, फ्लावर एक ऐसी चिन्ह बन चुके, मैं तो कह तो रहा हूँ, फ्लावर एक ऐसी चिन्ह बन चुकी है कि जो जिसे देखते ही धड़कने तेज हो जाती है, पारा 180 डिग्री के पार हो जा रहा है। क्योंकि इसलिए फ्लावर ने जो जिस तरीके से जुमलेबाजी की, फ्लावर के लोगों ने जिस तरीके से, युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है, महंगाई चरम सीमा पे है, और बीजेपी के हमारे प्रवक्ता डिबेट पर आकर के ये कहते हैं हमें महंगाई। अच्छा, फ्लावर देखते आपको गुस्सा आ जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमें नहीं गुस्सा आ रहा, पूरे देश को गुस्सा आ रहा, पूरे समाज को गुस्सा आ रहा है। मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊं आपको, कुछ गुस्सा तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्सा क्यों करेंगे, उसमें फ्लावर है जी। अभी तो देश का गुस्सा बीजेपी के साथ है। नहीं नहीं, बीजेपी का विरोध तो ठीक है, लेकिन ये फ्लावर का विरोध मेरे को समझ में नहीं आया। मैं इसलिए वो तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा ये तीन तस्वीरें देखिए। मां लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान है, ब्रह्मा कमल के फूल पर विराजमान है, मां सरस्वती श्वेत कमल के फूल पर विराजमान है। तो मुन्ना खान साहब, तिलक जी, मेरा सवाल तो ले लीजिए, मेरा सवाल तो ले लीजिए प्लीज, मुन्ना खान जी को स्क्रीन पर। ये अभी भी फूल देखकर गुस्सा आया क्या आपको? नहीं तिलक जी, ये श्रद्धा का विषय है, इसमें गुस्सा नहीं कर, हम उस फूल अच्छा को देख रहे हैं, हम वो नहीं, आपके अब श्रद्धा का विषय आ गया तो यही बात तो बीजेपी कह रही है। बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूँ ये श्रद्धा का विषय है, अगर वो फूल अगर पार्वती जी के हाथ में हो या सरस्वती जी के हाथ में हो, ये श्रद्धा का विषय है। अगर यही फूल बीजेपी के हाथ में, तो मैं समझता हूँ उस फूल को बदनाम करने की कोशिश, उस श्रद्धा को ठेस पहुंचाने की कोशिश बीजेपी की सरकार के द्वारा की जा रही है। मैं कह रहा हूँ श्रद्धा का विषय अलग है और बीजेपी का जो कमल का चिन्ह है। अच्छा, बीजेपी का कमल अलग है और ये कमल अलग है? बिल्कुल बिल्कुल, विरोध कमल का है या बीजेपी का है? नहीं नहीं, बिल्कुल बीजेपी का कमल का है। अच्छा, बीजेपी वाले कमल का विरोध है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर बीजेपी के कमल का विरोध इसलिए है क्योंकि जितने इनके वादे थे, आज 10 साल के बाद दोबारा से ये चुनाव की प्रक्रिया 2024 नजदीक है। मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के जो हमारे मित्र है, कोई भी एक ऐसा वादा जो इन्होंने पूरा किया हो, कोई भी एक वादा, चाहे 100 स्मार्ट सिटी बनाने का हो, चाहे बुलेट ट्रेन चलाने का हो, चाहे 2 करोड़ साल के युवाओं को रोजगार देने का हो, कोई भी एक वादा, मैं अपने प्रिय मित्र से पूछना चाहता हूँ, क्या आपके वादे पूरे हुए? नहीं हुए, क्योंकि पूरे देश के अंदर भरोसा गया है। ओके, तिलक जी युवा में गुस्सा है, युवा में नाराज है। बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैं कमल का, मैं विरोध का मतलब समझना चाह रहा था, इसलिए मुझे मजबूरन जो है, वैसे मैं इस तरह की तस्वीरें चैनल पर दिखाता नहीं हूं, ये मेरे तीनों साथी जो हैं वो बैठे हुए डिबेट में वो जानते हैं, अरमिंदर जी भी जानते हैं, प्रेम जी भी जानते हैं, अश्वनी जी भी जानते हैं, लेकिन मसला कमल का आया तो मजबूरन मुझे जो है, ब्रह्मा जी, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती की कमल में विराजमान तस्वीरें दिखानी पड़ी। खैर, अब मैं अश्वनी जी आपके पास आना चाहता हूं। सुना आपने जो बात मुन्ना जी कह रहे कि हमें कमल से विरोध नहीं है, बीजेपी वाले कमल से विरोध है, और आप जो है मुद्दों को भटकाने के लिए बार बार हिंदू और हिंदुत्व का जिक्र करते हैं। जवाब दीजिए।
जी देखिए, ये लोग विरोध के लिए विरोध के इतने निम्न स्तर पर उतर गए हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी काम करे, मोदी सरकार को जो काम करे, मेरा आवाज इको हो रहा, जरा सही करा दीजिए। सर मैं ठीक करवा रहा हूं, अपनी बात रखिए। तो जो लोग हम कुछ भी करें उसका ये तुरंत जो है विरोध पर उतर आते हैं। अभी कुछ दिन पहले देखिए संसद के शेरों पर बवाल कर दिया इन्होंने, वो भी प्रतीक चिन्ह था, वो शांत हुआ। उसके बाद फिर जो है उसके पहले बच्चों की वैक्सीन पर बवाल कर दिया इन लोगों ने, जब वैक्सीन बनी ही नहीं थी। तो ये बवाल करके सिर्फ और सिर्फ ये बौखलाहट बता रही है कांग्रेस की, कांग्रेस के शीर्षस्थ से और निम्न जो सबसे नीचे के कार्यकर्ता हैं उन तक ये बौखलाहट बता रही है कि अब ये अस्ताचल की तरफ जा रहे हैं, खत्म है। राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, वो महाराष्ट्र हर जगह जा रहे हैं, देखिए पीछे से साफ होता जा रहा, तेलंगाना गए, तेलंगाना की सीट हार गए। नहीं नहीं, कमल के जरिए आप हिंदू और हिंदुत्व को कहां से ले आए, मैं वो समझना चाह रहा हूं। मैं उसी पर आ रहा हूं। देखिए ये कमल का फूल जो है एक सनातन का प्रतीक है, जो आपने अभी दिखाया हमारे आस्था का भी प्रश्न है। लेकिन ये जो लोगो बना है, ये मुन्ना खां जी को और इनके नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि जो सात पत्तियां हैं वो सात महाद्वीप का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जो उसमें रंग है वो हिंदुस्तान के झंडे का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये हमारे मुन्ना भाई को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये G20 जो है ये 20 देशों के वित्त मंत्री और 20 देशों के बैंकों के गवर्नर, जो सेंट्रल बैंक होते हैं, हमारा RBI है, इनके गवर्नरों का एक सम्मेलन है। हमारे देश में हिंदुस्तान में जब दिवाली के दिन मां लक्ष्मी का आगमन होता है, उस दिन सारे व्यापारी अपनी बही बदलते हैं, वो सनातन का ये प्रतीक है। और शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि की बात हम करते हैं, उस मां की हम कमल से पूजा करते हैं। तो ये वित्त मंत्री और ये जो गवर्नर है, ये सब अर्थ से जुड़े हुए हैं। 80-85% GDP ये 20 जो देश के लोग आ रहे हैं, ये पूरे विश्व का इसमें समाहित है। ठीक, मैं मुन्ना जी के पास एक मिनट, एक लाइव में कमेंट आया है अश्वनी जी, गुस्सा मत होइएगा, छोटा सा सवाल है। वो कह रहे हैं कि तमाम लोगों आप लोग जारी करते हैं, क्योंकि आपने विकास का जिक्र किया, आपने GST और तमाम विकास की धरोहरों का जिक्र किया, लेकिन आप नोटबंदी का लोगों नहीं जारी करते। अब ये जिस भाई ने सवाल किया हो, मैं मुझे नहीं पता कि उस भाई को इतनी गहरी जानकारी है कि नहीं, नोटबंदी क्यों हुई थी, वो विरोध के उसमें उड़ गए हो। नोटबंदी के बारे में बैठकर एक बार गहरी जानकारी कर लीजिए, तो सारी चीजें सामने आ जाएगी। मुन्ना जी एक मिनट, मुन्ना जी मेरे कार्यक्रम में ऐसा नहीं होता, प्लीज, हम चर्चा करते हैं, बहस नहीं। आपको मौका दिया, आपको पहले मौका दिया, आपके पास आऊंगा मैं, लेकिन उनको अपनी बात पूरी करने दी अश्वनी जी को। अश्वनी जी कुछ कह रहे थे आप, वो कह रहे कि नोटबंदी पे भी कोई लोगो जारी करते उसमें कमल का फूल दिखा देते। उनके सोच के स्तर से वो लोगो उसमें खोज रहे होंगे। उनको GST भी बुरा लग रहा था, मेक इन इंडिया भी बुरा लग रहा था, आत्मनिर्भर भारत भी बुरा लग रहा होगा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा रही है। तो कांग्रेस के समर्थकों को और कांग्रेस के लोगों को ये बहुत बुरा लगेगा। अच्छा, आप जश्न क्यों नहीं मनाते नोटबंदी का? हम जश्न ही मनाते रहे। नहीं, इतना बड़ा इवेंट था, मतलब देश के लिए एक बहुत बड़ा फैसला था, तो वो कामयाबी का कहीं ना कहीं नहीं, मैं चाहता हूँ ये अरविंदर जी जो मुस्कुरा रहे हैं और मुन्ना खान जी जो चिंतित हो रहे हैं, इनको जवाब दीजिए आपकी, आप इवेंट मतलब जश्न क्यों नहीं मनाते नोटबंदी का? इसके लिए जो है एक जनमत संग्रह कराइए, और आप चौथे स्तंभ है, उसमें मुन्ना खान जी को जो है प्रतिनिधित्व दीजिए, और आम आदमी के प्रवक्ता जो है उनको भी दीजिए, क्योंकि वो तो एक उनके जो संयोजक है पहले अराजक हुआ करते थे, और अब देश के सबसे बड़े वित्त के विशेषज्ञ हो गए हैं, क्योंकि लक्ष्मी गणेश जो आज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वो तो नोटों पर बैठा रहे थे। हाँ। और उससे देश की अर्थव्यवस्था सही कर रहे थे। ओके, ओके। तो इसी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। जल्दी से मुन्ना जी आप, और फिर उसके बाद प्रेम जी और अरविंदर मिश्री आपके पास आ रहा हूँ। जल्दी से मुन्ना जी क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी से। मैं ये कहना चाहता था, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन हमारे प्रवक्ता कन्नी काट गए। ये नोटबंदी के जश्न नहीं मनाएंगे,
जो 2019 के हमारे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट अभी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी ने कहा था कि नोटबंदी होते ही आतंकवादियों की कमर टूटेगी, जितने जाली करेंसी है वो बंद हो जाएंगे। साहब आज दो गुने होंगे, नोट में वृद्धि दो गुनी हो गई, आप कहाँ बात कर रहे हो? नहीं नहीं, अभी नोटबंदी पर नहीं, अभी कमल के फूल पर। एक मिनट, कमल के फूल पर है, इन्हीं पे कह रहा हूँ। कमल के फूल पे ये नए नए जो सगुफे छोड़ते हैं, ये इसलिए छोड़ते हैं कि अभी हिमाचल और गुजरात में चुनाव होना है और जनता इनसे सवाल करेगी। जितने इनके वादे थे वो सारे के सारे धराशायी है। अच्छा मुन्ना जी, फिर मैं प्रेम जी के पास जाऊँ। एक प्रश्न ध्यान में आ गया, एकाएक इंदिरा गांधी जी जब है कांग्रेस आई बनी थी, आपका चुनाव चिन्ह होता था गाय और गाय का बछड़ा। बिल्कुल याद है आप सबको, एकाएक मुझे याद आ गया। वैसे वो बदला क्यों था आपने? नहीं नहीं, ये तो चुनाव आयोग का फैसला था बदलने का, वो तो किसी निजी व्यक्ति विशेष के द्वारा तो नहीं बदला जाता है तिलक जी, ये तो चुनाव आयोग का फैसला। अच्छा, मतलब चुनाव आयोग ने आपको कहा था कि जो है ये गाय और गाय का बछड़ा हटा के दूसरा चुनाव चिन्ह ले लो? नहीं नहीं, दूसरा चुनाव नहीं, उसके लिए एप्लीकेशन दी गई थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा। हाँ, तो वो हटाया क्यों गया था, मैं यही जानना चाह रहा था। मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी, क्यों हटाता है, किस लिए हटाता है वो इसलिए। अच्छा, उस पर जिक्र ना करूं, कमल के फूल पर जिक्र करूं? नहीं नहीं, कई लोगों ने उसका विरोध किया था क्योंकि यहाँ पे गाय माता को एक मान सम्मान मिलते, उसके द्वारा किसी पर्चे पे छपे हो फेंके हो, कुछ लोगों ने विरोध किया था। अच्छा, विरोध हुआ था कि मतलब गाय और गाय का बछड़ा मत लो चुनाव चिन्ह? जी 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 जी, तो उसके लिए हाथ के पंजे का निशान लिया था जो कि अब सभी के हाथों में है, और हाँ। उसके हाथ में लकीर की रेखा है, जिस हाथ के लकीर की रेखा से हमने आजादी दिलवाई, देश के तरक्की दिलवाई, सारी काम करवाए, लेकिन कमल का फूल आज देश को क्या दे रहा है? समझ गया, मैं समझ गया, मैं प्रेम जी के पास जाऊं, लेकिन अरविंदर जी जल्दी से, कांग्रेस की आपत्ति आपको जायज लगती है? देखिए तिलक भाई, सबसे पहले तो G20 में भारत को अध्यक्षता करने का अवसर मिला, इसके लिए सब देशवासियों के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छी खबर है, और भारत इसकी मेजबानी करेगा, ये इसके लिए पूरे भारतवर्ष को बधाई है। और चूंकि राष्ट्रीय पुष्प है कमल हमारा, तो मुझे लगता है कि इस पर बहुत ज्यादा कोई प्रतीक का मामला है, बहुत ज्यादा कोई आपत्ति करने की आवश्यकता। आप इसे प्रतीक मानते हैं, जैसे कांग्रेस के नेता ने कहा कि हमें बीजेपी के कमल से आपत्ति है? नहीं, मैं प्रतीक पर मैं वही कह रहा हूँ कि चूंकि कमल हमारे देश हमारा राष्ट्रीय पुष्प भी है, तो निश्चित तौर पर उस पर कोई उस तरीके की आपत्ति नहीं। लेकिन सवाल उसके अलावा है कि आखिर G20 में जब हमारा देश उसकी अध्यक्षता, आपको भी लगता है कि कांग्रेस बीजेपी का विरोध करते करते प्रतीकों का भी विरोध कर रही है? हाँ, निश्चित तौर पर, दरअसल कांग्रेस प्रतीकों की राजनीति करते करते शुरू हुई और ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी तक आई है, और ये प्रतीकों की राजनीति करते रहे। आपने देखा होगा कि अच्छा, नोट पर लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए, ये कौन सी फिर प्रतीकों की राजनीति नहीं थी? नहीं, तो उसमें जैसा मैं अभी भाजपा के प्रवक्ता का सुन रहा था, वो विरोध कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल, नहीं नहीं, वो प्रतीकों की राजनीति थी या नहीं, या फिर वो जब दिल्ली चुनाव था तो आप कहते थे हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीश तिलोकु जाकर रामदूत तथा बलधामा अंजनी पुष्पा में सुतनामा, जो नहीं सुनता था उसको भी कहते कि आगे सुनाऊंगा, मैं पूरी सुनाऊंगा, वो थी? या फिर जब पंजाब गए थे जब आप कह रहे थे कि भगत सिंह जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद, चंद्रशेखर जिंदाबाद, क्या वो प्रतीकों की राजनीति नहीं थी? आज भी कह रहे हैं अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर जिंदाबाद, आज भी कह रहे हैं हनुमान जी, आप गुजरात में जाकर कुछ नया और हिमाचल में जाकर कुछ नया, तो वो प्रतीकों की राजनीति नहीं होती? देखिए तिलक भाई, मुझे थोड़ा बोलने का अवसर देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, प्लीज अरविंदर प्लीज। हाँ बिल्कुल, प्लीज, मैं ये कह रहा हूँ कि हनुमान जी जिंदाबाद सिर्फ दिल्ली की राजनीति में नहीं आया, हनुमान जी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। नहीं नहीं, सनी देव का डायलॉग बनता है, लोग हैं हम सनातनी लोग हैं। अब आपने जो और बातें भी कही, तो वो सिर्फ उसको वहाँ छोड़ करके तो नहीं आ गए हम दिल्ली के चुनाव में, हम आज भी उस बात को करते हैं। हमारे आप मुद्दे पे आइए, क्या बीजेपी कमल के फूल का इस्तेमाल कर रही है G20 के सम्मेलन से पहले इस लोगों को जारी करना, आप इसका समर्थन करते हैं विरोध? मैंने फिर भी कह दिया कि ये जो प्रतीक, जहाँ तक कमल के फूल का प्रतीक है, इस पर ये कोई महत्व ही नहीं है हमारा, इस पर कोई ये कोई महत्व कोई स्टैंड नहीं है इसमें। हाँ, कोई महत्व नहीं, स्टैंड है लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है।
महत्वपूर्ण ये है कि G20 की जो जो कंट्रीज है हाँ। उसमें जब हम मेजबानी करेंगे तो ओके, यानी कांग्रेस का विरोध जायज नहीं है आपको ये लगता है? कुल मिलाकर ये कहो ना अरविंदर जी, कांग्रेस का विरोध जायज नहीं है? हाँ, राजनीतिक विरोध है, मुझे हमें उसमें पढ़ना। ठीक, ओके, आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन प्रेम जी, जी आपके तर्क के तो हम कायल हैं। अब मुझे जरा समझाइए, आपने तीनों राजनीतिक दलों के बयानों को सुना, वो कह रहे हैं कि भैया हमें कमल पे एतराज नहीं है, बीजेपी के कमल पर एतराज है। अश्वनी शाही जी यानी कि जो इनकी पार्टी है बीजेपी, वो ये कह रही है कि कमल का मतलब समझिए मां लक्ष्मी विराजमान है, सरस्वती उस पर विराजमान है, ब्रह्मा उस पर विराजमान है, ये उनका विरोध कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस उनके जाल में फंस सकती है, हम नहीं फंसेंगे। आप किस नजरिए से देखते हैं? जी जी तिलक जी, जो G20 का लोगो है उसमें कमल का फूल, दुनिया इसको किस नजरिए से देखती है? सिर्फ एक फूल के तौर पर देखती है? या प्रधानमंत्री जी ने जो फूल का कमल का महत्व बताया है और भारतीय विरासत से जोड़ा है उस रूप में देखती है? तो दुनिया, मुझे नहीं लगता कि भारत में जिस तरीके से कमल को देखा जाता है उस तरीके से दुनिया देखती है। भारत में कमल को देखने का एक नजरिया है और प्रधानमंत्री जी ने उस नजरिए को देश के सामने रखा, उनको विरासत से जोड़ा है, धार्मिकता से भी जोड़ा है और भारतीय अस्मिता से भी जोड़ा है। अब ये एक तरह की डिबेट प्रधानमंत्री जी ने खुद से पैदा कर दी है कि जिस देश में त्रिशूल इसलिए चुनाव आयोग नहीं बांटता है चुनाव चिन्ह, क्योंकि उसका धार्मिक महत्व है, तो उस देश में जब खुद बीजेपी के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री जी जब वोट मांगने आएंगे तो चुनाव आयोग के सामने जब बात होगी तो क्या उस कमल के चिन्ह को, जिसको उन्होंने खुद से धार्मिकता से जोड़ दिया, विरासत से जोड़ दिया, भारतीयता से जोड़ दिया, तो क्या एक राजनीतिक दल को वो चुनाव चिन्ह अपने पास रखना चाहिए? चुनाव आयोग के सामने एक नए किस्म से विमर्श आएगा, जब आप त्रिशूल नहीं दे सकते तो कमल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि कमल का मतलब तो कुछ और है, खुद प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को बता दिया। ये डिबेट मेरे ख्याल से आने वाले समय में होगी और इस हिसाब से जिनको समर्थन या विरोध करना है वो कर सकते हैं। अश्वनी जी, इत्तफाक रखते जो बात प्रेम जी कह रहे हैं इस हिसाब से तो आप लोगों को तो अधिकार ही नहीं है कमल का फूल रखने का चुनाव चिन्ह। जी जी जी, प्रेम जी जो है एक समीक्षक है और स्वतंत्र समीक्षा करने की किसी को भी पूरी इजाजत है और भारत में तो अभिव्यक्ति की आजादी भी है, तो प्रेम जी की समीक्षा अपने जगह है। मगर आप हाथ के पंजे का आपने जो पूछा वो कहां से लिया गया था, इसको भी देखने वाली बात है, इस पर चर्चा किसी दिन कर लिया जाएगा कि हमसा से लिया गया था, जो करबला में जो शहीद हुए थे अली जी उनके पंजे से वो करके उस समय तुष्टिकरण की राजनीति। लेकिन आज जो ये प्रतीक चिन्ह लिया गया है, नहीं मैं समझा नहीं, हाथ के पंजे का मतलब बताना चाहता हूँ, किसी ने कुछ और भी तो कहा था उसी हाथ के पंजे को लेकर, बहुत कुछ कहते हैं उसमें कहने की क्या बात है। यहाँ मैंने कहा ना अभिव्यक्ति की आजादी भी है, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये थोड़ी ना कि उस पंजे को आप डैश 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 का पंजा बोल दे। देखिए वो तो बहुत बहुत सी चीजें कही गई हैं इस देश में, अब वो जाएंगे तो फिर वो हेट स्पीच और एक दूसरे के लिए गलत बोलने पर वो चला जाएगा, मुड़ जाएगा। लेकिन आज अभी जो प्रेम जी के को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अपना जो राष्ट्रीय पुष्प है कमल, ये राष्ट्रीय पुष्प की पहचान अगर वैश्विक स्तर पर हो रही है, एक बेहतर जगह पर जो G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है 1 दिसंबर से करने जा रहा है, तो ये हमारे लिए गौरव का विषय है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कमल को पहचान दरअसल बीजेपी ने दिलवाई? जी, कमल को पहचान बीजेपी ने दिलवाई? कमल को पहचान सनातन की आस्था ने दिलवाई, जो 5,000 साल से भी ज्यादा की है। प्रेम जी प्लीज जल्दी से एक तरफ मुझे ब्रेक लेना है। और जिसको हम लोग नतमस्तक होते हैं, साईं जी सही होते हैं सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल, मैं साईं जी की बात से सहमत होता अगर इस कमल को भारत के अलावा दूसरे देश में पहचान भी होती तो हमारी सनातन सभ्यता, हमारी सनातन प्रतीकात्मक चिन्ह इसको दुनिया सम्मान दे रही होती। फिर भी साई जी सही है कि अगर हमने इनिशिएट किया है, दुनिया ने मान लिया है,
तब भी ये गौरव का विषय निश्चित रूप से है कि भारतीय कमल जो है, भारत का जो राष्ट्रीय फूल है, वो दुनिया में एक प्रतीक चिन्ह के रूप में है। इसकी महत्ता से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। ग्लोबल मंच पर भारत की एक पहल जो है उस कबूल की गई है, इसका निश्चित रूप से महत्व है। लेकिन भारतीय संदर्भ में मैंने पहले भी कहा कि जब बात होगी तो ये खतरा उन्होंने खुद से पैदा किया है। नहीं, क्या आप समर्थन कर रहे, कटाक्ष कर रहे, मुझे समझ में नहीं आया। क्या ऐसा कमल जो राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है, आध्यात्मिकता का प्रतीक है, धार्मिकता का प्रतीक है, उस कमल को किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह होना चाहिए? अगर ऐसा है तब तो कल से त्रिशूल भी बटेगा, कल से डमरू भी बने, लोगों के चुनाव चिन्ह बनेंगे। क्या इसको बीजेपी भी इंडोर्स करेगी? ये बड़ा सवाल पैदा होगा। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार, लेकिन इससे भी बड़ा एक सवाल है, ये फ्लावर का जिक्र क्यों कमल? फ्लावर पर कांग्रेस का फायर होना, क्या वाकई जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि भैया ये बीजेपी के जाल में फंस गए, क्या वाकई ऐसा है? ब्रेक के उस पार वो तमाम मुद्दे जो अभी तक गुम है, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो कमल पर सियासी बवाल की दास्तान आप देख रहे हैं। ब्रेक से पहले तमाम सवाल और सवालों के जवाब तलाशने की हमने कोशिश की। मैं सीधा रुक कर रहा हूं खान साहब आपके पास। ब्रेक से पहले आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा जिक्र किया और बात कुछ कुछ हमारे समझ में भी आई। वो ये कह रहे हैं कि भैया आप बीजेपी के बनाए हुए जाल में फंस रहे हैं, हम नहीं फंसेंगे। और कांग्रेस वही काम कर रही है जो पहले करती हुई आई थी, बीजेपी ने जाल बिछाया और फंस गई। इत्तेफाक रखते हैं जो आम आदमी पार्टी कर रही है? मैं ये कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी के बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि ये बीजेपी की ही बी टीम है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ दिल्ली में आते ही कुछ बातें करती है, पंजाब जाते ही कुछ बातें करती है, और गुजरात जाते ही कुछ बातें करती है। ये गुजरात जाकर के नोटों पे माँ सरस्वती और गणेश जी की फोटो लगवाने चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके पास सरस्वती और गणेश जी, नहीं नहीं मैं बात पूरी तो होने दीजिए, मैं कह रहा हूँ सरस्वती और गणेश जी तो आपके पास है, आपके पास सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया है। मनीष सिसोदिया जी गणेश जी और सत्येंद्र जैन सरस्वती है, आप लगा उसको कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? काम करता कहां, किससे ना, भगवान की तुलना आप नेताओं से कर रहे हैं, उनकी बातों पे बातें कर रहे हैं वो। नहीं नहीं खान साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक मिनट हरविंदर जी जल्दी से अपना जवाब दीजिए। लेकिन नहीं इस बात से हम सहमत नहीं। तिलक भाई मुझे लगता है कि भारतीय कांग्रेस के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं उस पर टिप्पणी करना भी अपमानित होने जैसा है, वो जिस तरीके की बातचीत कर रहे हैं। अच्छा उस पर जवाब मत दीजिए, वो कह रहे हैं बी टीम तो आप हैं, हम नहीं है, बी टीम पर आजे। नहीं अब निश्चित तौर पर इसलिए क्योंकि पंजाब में हमने कांग्रेस को रिप्लेस किया, दिल्ली में हमने कांग्रेस को रिप्लेस किया, गुजरात में जो अभी आप पूरे मीडिया और तमाम लोगों से जिस तरीके की खबरें आ रही है उससे साफ है कि वहां कांग्रेस रिप्लेस होने वाली है। आम आदमी पार्टी काफी अच्छी स्थिति में है, तो निश्चित तौर पर उनकी ये पीड़ा जायज है। उनको वो तो कहेंगे ही क्योंकि हम उनको लगातार सत्ता सत्ता में वहां से वो हट रहे हैं, तो हमें इस बात के लिए दोष तो देंगे ही। चोट कांग्रेस को ही दे रहे हो, बीजेपी को नहीं? नहीं ऐसा क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकारें थी, दिल्ली में जहां पर हम पहली बार आए, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी, हम यहाँ गुजरात में बीजेपी को रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन इनकी आपको ये क्यों लगता है ये बीजेपी के जाल में फंस रहे हैं? हमको इसलिए लगता है क्योंकि अब जहां तक कमल के फूल की बात है, कमल राष्ट्रीय पुष्प भी है और राष्ट्रीय पुष्प का सम्मान करना हम सबका दायित्व भी है। और उसके बाद मैं पहले भी कह रहा हूं कि लोगों क्या है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वहां पर हमारा देश जब इसकी अध्यक्षता करेगा तो काम कैसे करेंगे, गजब सियासत है ना करेंगे, ये जानते हैं कि हमने विरोध किया तो हिंदुत्व के विरोध पे बात आ जाएगी। और इस समय है वो फिर रुद्राक्ष की माला और वो गले में जो है इधर उधर मंदिर जाना और तमाम बातों और दावों के बीच में हिंदुत्व का जिक्र कर देना, माँ लक्ष्मी का जिक्र कर देना, गणेश जी का जिक्र कर देना, सब पानी फिर जाएगा। इसलिए कमल पे कुछ मत बोलो, यही दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी का? सवाल मुझसे है। जी जी प्रेम जी, कमल की बात इसलिए क्योंकि कमल आम आदमी पार्टी को इसी रूट पर सफलता मिल रही है, इसी तरीके से सफलता मिल रही है। और सही कह रहे हैं अमरेंद्र जी के आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस से लड़ती आई है, बीजेपी से लड़े ऐसा तो उदाहरण ही नहीं दिखता किसी स्टेट में इन्होंने बीजेपी से हराया हो। क्यों आप गुजरात में दिखाई नहीं दे रहा आपको? मैंने कहा है प्रेम जी आपकी आवाज कम हो गई। प्रेम सर आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया, मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ।
आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया, मैं कनेक्ट करवा रहा हूं, मैं कनेक्ट करवा रहा हूं, कनेक्ट करा। लेकिन मुन्ना जी पहले आप, फिर मैं आ रहा हूं अश्वनी शाही जी के पास। क्यों फंस रहे हो इनके जाल में? अरविंदर जी समझा रहे हैं, मत फंसो इनके जाल में। तिलक जी हम किसी के जाल में नहीं फंस रहे, क्योंकि हमें पता ये दोनों एक ही। एक बात मैं और कहना चाह रहा था तिलक जी आपसे, कि जो आम आदमी पार्टी की जितने भी ऑफिस है, चाहे दिल्ली के हो या पंजाब के हो, ये किसी भी ऑफिस में ये हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी की फोटो नहीं लगाए। और आज जब गांधी जी के गृह राज्य में गए हैं तो वहां इन्हें गांधी जी याद आ रहे हैं, उन्हें यहाँ गांधी जी नहीं याद आ रहे। तो इससे बड़ा नाटकबाज, इससे बड़ा ढकोसलेबाज कोई भी दल हो ही नहीं सकता। अच्छा, गांधी जी की फोटो किसकी लगाते, गोडसे की? नहीं नहीं, इन्होंने गांधी की जी की, हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी की फोटो लगाई नहीं। मैं ये क्यों कहूंगा गोडसे की लगाई, इन्होंने लगाई नहीं महात्मा गांधी जी की फोटो, जबकि वो हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी जो। अरविंदर जी जवाब दीजिए प्लीज जल्दी से, फिर प्रेम जी कनेक्ट हो गए मेरे साथ। देखिए निश्चित तौर पर गांधी तो इस देश के गौरव का विषय है, और ये इस तरीके की ऊन जुलून बात करके कि हम गांधी को नहीं लगाते, हम भगत सिंह को क्यों लगाते हैं, हम सारे महापुरुषों को पूजा करते हैं, हम उनको मानते हैं, तो इस तरीके की सिक्के बातचीत करना इस बहस की गरिमा को मुझे लगता है कि ये कम कर रहा है। अच्छा, तो इसलिए मतलब गांधी जी हो गए कांग्रेस के और भगत सिंह हो गए आपके और पटेल जी हो गए बीजेपी के, यही समझा रहे हो मुझे? नहीं, सभी देश के महापुरुष हैं, कोई बहुत भाजपा कांग्रेस के नहीं है। हाँ। सब देश के है। अब गांधी किसी एक पार्टी के नहीं है, गांधी तो इस देश के राष्ट्रपिता है। गांधी तो वो पूछ तो रहे हैं मुन्ना जी की गांधी जी की तस्वीर कहीं नहीं लगाते आप, क्यों नहीं लगाते हो? नहीं ऐसा इनको दिखता नहीं है ना, ऐसा दिखा दो, कहा है वो पूछ रहे हैं, कह रहे दिखा दो मुझे, एक भी कार्यालय में नहीं है गांधी जी की। अभी 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 मुन्ना भाई जो है गूगल करेंगे और वो देखेंगे कि बहुत सारी जगह हमारे कार्यालय में गांधी जी की तस्वीर होगी। नहीं आप दिखा दो, मेरे कार्यक्रम में फोनो फ्रेंड की भी सुविधा है, मिलाइए, दिखा दीजिए उनको किसी ऑफिस में। नहीं, वो कह रहे किसी भी ऑफिस में दिखाओ गांधी जी की तस्वीर कहाँ है। नहीं दिखा देंगे उनको, आप एक काम कर लीजिएगा, उनका नंबर आप मुझे भिजवा दीजिएगा, मैं उनको व्हाट्सएप कर दूंगा। नहीं नहीं आप दिखा दो, अभी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइव में दिखा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, बात खत्म हो जाए। लाइव में कैसे दिखाऊंगा? ढूंढिए, कोई दिक्कत नहीं है, ढूंढ के मुझे दिखाइएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ढूंढिए अरविंदर जी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रेम जी, ये प्रतीकों की राजनीति क्या सिर्फ बीजेपी कर रही है या फिर कांग्रेस और फिर जो आम आदमी पार्टी कह रही है, कौन नहीं कर रहा प्रतीकों की राजनीति? देखिए प्रतीक की राजनीति तो हिंदुस्तान की सियासत का अभिन्न हिस्सा रहा है, हर दौर में प्रतीक की राजनीति हुई और आज भी प्रतीक की राजनीति होती। जब कोई पार्टी अपना नेता सामने रख करके चुनाव लड़ता है तो वो भी एक नेता की तस्वीर, वो भी तो प्रतीक की राजनीति होती है ना, तो ये भारतीय राजनीति का स्वभाव है, तो इसमें किसी को द्वेलित होने की जरूरत नहीं है। हर पार्टी ने ऐसा किया है, क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या आम आदमी पार्टी, सबने प्रतीक की राजनीति की है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। अब थोड़ी देर पहले जो आप बात कह रहे थे, मैं अधूरी रह गई थी, फोन कट गया था, तो उसको मैं थोड़ा दोहरा दूं, वो ये कि आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल जी ने नरेंद्र मोदी जी के पास के खिलाफ चुनाव लड़ा था, तो सबसे पहले जब वो लोकसभा चुनाव लड़ रही थी पार्टी, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी प्रायश्चित मोड में चली, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलने की रणनीति अपना ली और उसके बाद लगातार चुप रहे, फिर वो माफी वाला दौर भी आया, सारे केसेस खत्म हुए और उसके बाद कांग्रेस विरोध की सियासत तो आम आदमी पार्टी की रही है। नहीं नहीं, नहीं आप कहना क्या चाह रहे हैं, जो बात मुन्ना जी ने कही कि ये बीजेपी की बीटी में, नहीं मैं तो अमरेंद्र जी की बात की पुष्टि कर रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि वो कांग्रेस को वो हराते रहे, चाहे पंजाब में हराए, दिल्ली में हराए, बीजेपी को तो इन्होंने हराया ही नहीं। नहीं नहीं, मेरा सवाल यही है ना प्रेम जी, क्या ये नहीं लग रहा कि जो बीजेपी चाहती है वही जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कर रही है? वो चाहते हैं कि भैया अगर देश में बेरोजगारी और ये तमाम मुद्दों पर जनता का ध्यान ना जाए तो इससे अच्छा ये है कि कमल पर ही बहस हो जाए। बिल्कुल, ये रणनीति होती है कि प्रमुख मुद्दों पर ध्यान भटकाया जाए और ये रणनीति बनाती है जो भी। क्यों ध्यान भटका रहे हैं पार्टी अश्वनी शाही जी, क्यों ध्यान भटका रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर कमल खिलाना ही है तो लोगों के हृदय में खिलाओ। देखिए आप और प्रेम जी और बाकी हमारे सम्मानित यहाँ पर जो पैनलिस्ट हैं,
इस समय बड़े गर्व का विषय है कि हम अगर अमेरिका, जर्मनी, रशिया और ये जो शामिल 20 देशों के G20 का जो अध्यक्षता हम करने जा रहे हैं, जिसकी मेजबानी हिंदुस्तान को मिली है, और इस समय हम इस पर बहस कर रहे हैं कि कांग्रेस ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कमल अब लोगो बन गया है G20 का, ये तो खुशी की बात होनी चाहिए। नहीं, खुशी की बात तो ये भी थी कि देश में यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था और देश के प्रधानमंत्री ने फोन किया और फोन से वो युद्ध भी रुक गया। गर्व की बात तो वो भी थी कि नहीं, कुछ घंटों के लिए थी। ऐसे ऐसे बहुत सी चीजें हुई हैं। अच्छा, हुई हैं ऐसी बहुत बहुत ही, वहाँ के लोगों को, लड़कों को निकाला गया किस तरीके से। नहीं नहीं नहीं, वो युद्ध रुक गया था। गर्व की बात वो भी है, युद्ध रुक गया था पाकिस्तान में, हम घर में घुस के मारे हैं, गर्व की बात वो भी है। घर में घुस के मारे, अच्छी बात है पाकिस्तान को। मैंने कहा युद्ध रुक गया था, हमने वहां से अपने लोगों को निकाला था या नहीं निकाला था? नहीं निकाला आपने, बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने निकाला। तो हर, हर देश निकालता है अपने फंसे हुए छात्रों को, हर देश निकालता है। मैंने ये पूछा कि क्या देश के प्रधानमंत्री के कहने पर, देश के प्रधानमंत्री के कहने पर युद्ध रुका था? हिंदुस्तान के लोगों ने, हिंदुस्तान के मंत्रियों ने, सुषमा जी गई, बीके सिंह जी गए, किस तरीके से ऑपरेशन चलाकर हम लोगों ने वहां से निकाला उसको? नहीं, बिल्कुल गर्व की बात है, बहुत अच्छी बात है। ओके, प्रेम जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे, फिर मुन्ना जी आपके पास आ रहा हूँ। एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, जब हवाई जहाज से उतर रहे थे यूक्रेन से भारतीय और वो प्रतिक्रिया देने से इनकार कर रहे थे, जब उनके सामने बोला जा रहा था कि मोदी जी की सरकार ने आपको बचा लिया, वो लोग झटक के जा रहे थे, वो तस्वीर याद है कि नहीं? कितनी पीड़ा से गुजरे थे वहां से लौटे हुए। लेकिन आपको भी तस्वीर याद करनी होगी कि जो तिरंगा लेकर जब बसें चलती थी तो उनको कोई रोकता नहीं था, वो सारी बसें निकलती थी, वो भी वीडियो याद करिए। बाकी वीडियो भूल जाते हैं आप लोग। हिंदुस्तान के लिए गर्व का विषय है और आज कांग्रेस ने उसको वो बना लिया कि आज प्रतिष्ठा का प्रश्न, ये तो भारतीय जनता पार्टी का कमल है जो पूरे विश्व में जो है लोकप्रिय हो जाएगा। अच्छा, ये बीजेपी वाला ही कमल है ना? नहीं नहीं नहीं, ये बीजेपी वाला ही कमल है ना? कमल का फूल तो कमल का फूल है, अब बीजेपी वाला कमल और लक्ष्मी जी वाला कमल अलग नहीं है। अच्छा, अलग नहीं है? हाँ मुन्ना जी समझे आप, ये आप अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग नहीं है जो आप कह रहे थे, ये बीजेपी वाला कमल है। फिर आ रहा हूँ मैं अरविंदर जी आपके पास। राजीव गांधी का जो नाम है ना, राजीव का मतलब ही कमल होता है। इनके नेता कमलनाथ है, उनका भी कमल है। हटा दे सबको, राजीव जी की पूजा करना बंद करें, अपना नेता मानना बंद करें। ओके, अरविंदर जी को कनेक्ट करिए। मुन्ना जी आप अपनी बात रखिए। मुन्ना जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाला कमल भी एक ही है और माँ लक्ष्मी जिस पर विराजमान है वो कमल भी एक ही है। नहीं नहीं नहीं, इनके बातों को, इनके बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। ये भी कह रहे थे कि कमलनाथ है, उनको भी हटा दे। मैं कह रहा हूँ कमल के साथ नाथ लगा है, जिस तरीके से राजीव के साथ क्या लगा था, बीजेपी लगी है। आप सुन तो ले मित्र, हमें सुन ले पहले। मैं कह रहा हूँ ये गर्व का विषय है, अपमान का विषय है, ये बता दीजिए बस। हम अभी तिलक जी आपने बोला कि हमारे डिबेट में ऐसे नहीं होता, फिर वो बोल रहे, मैं खामोश इतनी देर से, मैं भी काउंटर कर सकता था, मैं खामोश हूँ मित्र, हमें सुन ले। मैं ये कह रहा हूँ कि ये राष्ट्रीय शोभा तब बनती, जो आपका बीजेपी का जो कमल है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये राष्ट्रीय शोभा तब बनती जब 45 करोड़ युवा बेरोजगार नहीं होते। ये राष्ट्रीय शोभा तब बढ़ाती जब ये 100 के पार पेट्रोल नहीं होते। ये राष्ट्रीय शोभा तब बढ़ाती जब डीजल 100 के पार नहीं होते। ये राष्ट्रीय शोभा तब बढ़ाती जब 1200 के सिलेंडर पार नहीं होते। ये राष्ट्रीय शोभा तब बढ़ाती जब 250 रुपए लीटर सरसों तेल नहीं होते। तो राष्ट्रीय शोभा की आप बात करते हो, राष्ट्रीय शोभा तब बढ़ती जब महंगाई कम होती, जो महंगाई चरम सीमा पे। राष्ट्रीय शोभा तब बढ़ती जब 45 करोड़ युवा हमारे देश में बेरोजगार नहीं होते। आप किस राष्ट्रीय शोभा की बात करते हो? आपने देश को कहीं का नहीं छोड़ा। आप उस चीज के जिक्र नहीं करते जो जल्दबाजी में लिए गए फैसले से। आप नोटबंदी की बात नहीं करते, GST की बात नहीं करते, जो आपका गलत फैसला था। आज व्यापारी भुगत रहे, आज पूरे जितने मुन्ना जी बहुत अच्छी बात बोली आपने, बहुत अच्छी बात बोली। मैं यही तो कह रहा था, जब ये तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों का जिक्र आप कर रहे हैं और राहुल गांधी पद यात्रा के दौरान भी कर रहे हैं, तो फिर काहे को कमल के फूल में उलझ गए आप? और फिर आप कहते हो कि बीजेपी जो है मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है, क्या जरूरत है कमल के फूल पर इस तरह से चर्चा करने की? नहीं नहीं, कमल के फूल के जगह मैं समझता हूँ कि तिरंगा भी लगा जा सकता था, कुछ और भी, इंडिया गेट भी लगाया जा, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इंडिया गेट है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। अच्छा, मतलब कमल का फूल नहीं लगाना चाहिए, सब कुछ लगा दो? नहीं, आप अगर कमल के फूल पर डिस्कशन करना है आपको, बेरोजगारी पर करना है?
नहीं, हमें तो बेरोजगारी पर डिस्कशन करना है। हाँ तो राहुल गांधी आपको समझा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भैया हम कमल के फूल में उलझेंगे। नहीं नहीं, कमल के फूल में हम नहीं उलझेंगे, हम उन कमल के फूल में उलझेंगे जो देश के साथ धोखा करने का काम किया। खान साहब, खान साहब, काम किया किसान, खान साहब, इस डिबेट में बैठ के आपने 500 बार कमल कमल कमल, इतना प्रचार तो बीजेपी ने नहीं किया होगा जितना प्रचार आपने बैठ के कर दिया। मैं उस कमल की बात कर रहा हूँ जो सरस्वती जी के साथ है, और इस कमल की बात कर रहा हूँ जो बीजेपी के हाथ है। अच्छा, ओके, अश्विनी शाह जी जल्दी से प्लीज, फिर मैं प्रेम जी और अमरिंदर जी के पास आ रहा हूँ, अमरिंदर जी जुड़ गए मेरे साथ। मैं मुन्ना खान जी ने 5 चीजों का नाम लिया और सबका जवाब देता हूँ। अब कमल का फूल ये लक्ष्मी जी का अलग करते हैं और भाजपा का अलग करते हैं तो ये इनकी सोच हो सकती है। इन्होंने बेरोजगारी की बात की, महंगाई पे जवाब दो। अरे रुकिए भाई, मैं जवाब सुन लीजिए। राजस्थान में इनकी सरकार है, लखनऊ में आकर प्रियंका जी के सामने वहां के बेरोजगार यहां बैठकर जो है धरना देते हैं, ये है बेरोजगारी इनकी। पेट्रोल का दाम श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा क्यों है? तीसरी बात, इन्होंने कहा कि सिलेंडर 1241 रुपए का सिलेंडर जो है अभी भी कोई चेक कर सकता है, गूगल कर सकता है। 1 जनवरी 2014 को था, किसकी सरकार थी हमको नहीं कहना है कुछ। सरसों का तेल 200 रुपए लीटर हमने खरीदा है, दाल 200 रुपए किलो हमने खरीदा है। तो कहां आप महंगाई और उसकी बात करते हैं मुन्ना जी? आइए, आज देश जो है विश्व में आपका देश जो है कमल के पुष्प की तरह खिल रहा है। आप इसमें चलन और वो मत खोजिए, आज इसमें आइए, कदम से कदम मिलाइए। राहुल गांधी सिख भी बन गए, एक वो मुहर्रम के तरह अपने को कोड़ा भी मार रहे हैं, और हिंदू तो ही है। आप लोग वही चाहते हैं। एक मिनट, गुरुद्वारे तो सभी जाते हैं ना, जाते हैं ना, देश के प्रधानमंत्री भी जाते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? उसको धर्म मत जोड़िए प्लीज। मैं कह रहा हूँ कोड़े से भी मारते हैं, हिंदू ही है वो, कट्टर हिंदू ही है। अच्छा, ओके, गुरुद्वारे भी गए, ओके, अब गुड फ्राइडे के दिन सलीब पर चढ़ना उनको बाकी है। एक मिनट प्लीज अरविंदर जी, एक मिनट अरविंदर जी प्लीज, आप गूगल कर रहे थे, गूगल मिला क्या? गूगल मिलने के चक्कर में मेरा फोन कट गया, फिर आपको दोबारा जोड़ना पड़ा आपके। अच्छा अच्छा, चलिए मत करिएगा, आप गूगल मत करिएगा, गूगल देवता की शरण में मत जाइएगा, आप अपनी बात रखिए, फिर मैं प्रेम जी के पास। हाँ, लेकिन मैं क्योंकि गांधी जी का सवाल आया और निश्चित तौर पर गांधी जी पूज्य है, मैंने कहा चर्चा में, और यदि भगत सिंह जी को हम फोटो लगा रहे हैं, यदि हम अम्बेडकर साहब का फोटो लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उस पर विधवा विलाप किसी को नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जैसे प्रेम भाई ने कहा कि हम लोग सिर्फ कांग्रेस से लड़ रहे हैं, तो हम गुजरात में हम किससे लड़ रहे हैं, हम उत्तराखंड में किससे लड़े, हम पंजाब में भी, तो सारे राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। तो यही गया कि उत्तराखंड में बीजेपी की जीत में आपकी भागीदारी बहुत बड़ी रही। नहीं, आप ये बताइए तिलक भाई, आप उत्तराखंड को बहुत अच्छे से समझते हैं, पहली बात। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस का जो वोट परसेंट का जो 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 गैप है वो कितना है, और हमको उत्तराखंड तो सर चार चार वोट से भी चुनाव लोग जीतते और हारते हैं, गलत बोल रहा हूँ? नहीं, मैं अभी की बात कह रहा हूँ। हाँ, तो मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं जो प्रेम जी समझाना चाह रहे थे, इतनी बात मुझे समझ में आई, कह रहे हैं कि फायदा कुछ भी हो वोट कटेंगे कांग्रेस के और जीतेगी जो बीजेपी है और उसमें योगदान आपका रहेगा, जो बात मुझे समझ में आई। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारे लोग जो है छोड़ करके आए, और जैसा कि आपने देखा कि मैं बड़े दुख के साथ इसको कह रहा हूँ और स्वीकार कर रहा हूँ कि वो फिर सारे वापस भाजपा में ही चले गए, कर्नल कोठियाल जी के साथ में चले गए। तो अब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को हमने नुकसान किया था, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, ज्यादातर लोग आम आदमी पार्टी। गुजरात में आपको लगता है कि ये जो कमल के फूल को लेकर जिक्र कर रहे हैं, जिन मुद्दों के आधार पर चुनाव होना चाहिए, आपको यही लग रहा है कि कांग्रेस फंस रही है बीजेपी के जाल में, आप मुझे ये समझा रहे हैं? अब देखिए, कांग्रेस का अपना राजनीतिक स्टाइल हो सकता है, लेकिन हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। और मैं जैसा अभी मुन्ना भाई भी कह रहे थे कि सवाल महंगाई को लेकर के है, चिंता बेरोजगारी को लेकर के होनी चाहिए, चिंता हम स्कूल अच्छे कैसे बनाएं, अस्पताल अच्छे कैसे बनाएं, हम पानी कैसे उपलब्ध कराएं, ओके, प्रेम जी, प्रेम जी, प्रेम जी, मैं आपके सामने हूं, जो लबो लिबाब है
जयराम रमेश के ट्वीट का, मैं आपके सामने एक बार फिर से पढ़ता हूं, अगर मेरे सहयोगी चाहें तो उसको प्ले करिएगा। जयराम रमेश ने जो ट्वीट किया है वो ये लिखते हैं कि ये G20 का लोगो अब बीजेपी का लोगो बन गया है, बीजेपी अपने प्रचार का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है, एक वैश्विक संगठन की मेजबानी के लिए जारी लोगो पर कमल की फोटो बेशर्मी है। यह मौका आपको लगता है कि बीजेपी को खुद कांग्रेस के नेता ही दे रहे हैं? क्या देश में और तमाम मुद्दे ऐसे कम हैं जिस पर चर्चा हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और इसीलिए मैं इस चर्चा के शुरुआती दौर से कह रहा हूं कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है, इसको लेकर के कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। और फिर कांग्रेस ने, कांग्रेस की ही तो सरकार थी जब कमल का जो फूल है उसको राष्ट्रीय पुष्प का दर्जा मिला। एक मिनट अरविंदर जी, मेरा सवाल प्रेम जी से था, एक मिनट प्रेम जी पहले अपनी बात रखेंगे फिर मैं। जी तिलक जी, आपने जो जयराम रमेश जी का ट्वीट पढ़ा है उसमें बहुत ही कठोर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, बेशर्मी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसकी कतई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय प्रतीक चिन्ह हमने इंडोर्स किया, दुनिया ने माना, अगर दुनिया ने इंडोर्स करता तो और अच्छी बात होती, लेकिन अभी भी ऐसी कोई बुरी बात नहीं हुई है, ये गर्व का विषय है। आपको नहीं लगता प्रेम जी, आप तो राजनीतिक पंडित रहे हैं, इतिहास में कई ऐसे चुनाव हुए जो एक शब्द ने कांग्रेस की नैया को डुबो दिया, सिर्फ एक शब्द ने, एक बयान ने, कई ऐसे चुनाव हुए कि नहीं? बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये बेशर्मी शब्द सही नहीं है, गलत है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, अभी अमरेंद्र जी खुद उस बात की पुष्टि कर रहे थे जो मैं कह रहा था, उत्तराखंड में जो लोग आम आदमी पार्टी के बन करके बीजेपी से अलग होकर खड़े हुए, वो फिर से वापस बीजेपी में चले गए। तो क्या बीजेपी ने वहां आम आदमी पार्टी को खड़ा किया और फिर चुनाव खत्म, बात खत्म? क्या यही गुजरात में भी हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की माँ के नाम पर जो गाली दिलवाई गई है वो भी क्या इसी किस्म से है? तो उसी बात की पुष्टि हो रही है कि आम आदमी पार्टी का जो नेचर है बीजेपी से लड़ने का नहीं रहा है, उससे संघर्ष करने का रहा ही नहीं है। अच्छा, तो यानी जो लकीर है उसको लंबा खींच देते हैं, यानी जो मोदी जी लकीर खींचते हैं उसको लंबा खींचने की कोशिश करते हैं, उसी लकीर उनकी रणनीति का हिस्सा बन जा रहे हैं, उनकी रणनीति का हिस्सा बन जा रहे हैं कि विपक्ष के वोट बंट जाएं, ये एक दूसरे तरह से दूसरे भाईजान हो जा रहे हैं। अच्छा, ये भाईजान तो हर जगह रहते ही हैं वोट काटने के लिए, तो ये भी भाईजान है। जी बिल्कुल, अच्छा, ये बीजेपी के भाईजान है। ओके, अब मैं एक और महत्वपूर्ण बात, ये दरअसल बात अश्वनी शाही जी, जितनी बात मैं समझ पाया कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की और प्रेम जी की, यानी कि कुल मिला के चुनाव होगा तो कमल के फूल पर होगा, गुजरात में शराब कांड और मोरबी में 150 लोगों की गई जान, उस पर चुनाव नहीं होगा ना? सवाल पूछते हैं जी अश्विनी जी, आप भी से। जी जी, चुनाव में बहुत से मुद्दे होते हैं, मोरबी होगा मुद्दा? मोरबी को आप मुद्दा बनाइए, मोरबी को आप मुद्दा बनाइए, आप एक पत्रकारों का समूह भेजिए, मुद्दा बनाकर जो है, क्योंकि सत्ता पक्ष का विरोध करना होता है, चाहे जिसकी भी गलती है उसका विरोध करिए, सरकार अपना काम कर रही है यहाँ, उसको चुनाव में जिसको सवाल मुद्दा पूछना बनाना विरोध करना होता है। अश्वनी जी, जी सवाल पूछना विरोध करना होता है? नहीं, सवाल पूछना उसकी एक होती है, एक सीरीज चलाना उसका कोई मंतव्य होता है। नहीं, सीरीज कहाँ, यहाँ तो खबर भी नहीं दिखाई दे रही। नहीं, आज आपका अगर मुद्दा ये था कि क्या कहते हैं G20, उसमें मोरबी और चुनाव ये उससे जोड़ने का मतलब, या तो आपका कोई मंतव्य है या कोई आप सीरीज चला रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, गुजरात चुनाव का जिक्र था इसलिए मोरबी की घटना को लेकर सवाल खड़े हो गए, मैंने पूछ लिया आपसे, आप गुस्सा क्यों हो गए? अगर वो दुखद मृत्यु हुई है, वो दुखद दुर्घटना हुई है, संवेदनशील चीज है, तो उसका रोज चीरहरण करना आप करिए, सरकार अश्वनी जी, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, आप कर रहे हैं तो अभी इसका अश्वनी जी, सवाल पूछना तो कम से कम पत्रकारों का हक है, सवाल नहीं नहीं नहीं, आपका काम है, सर्वोपरि है, नमन है, पत्रकारिता को नमन है, मगर आज का जो मुद्दा था उसमें उसको जोड़ना ये कहां तक का उचित है ये बताइए जरा।
अच्छा तो आप मुद्दे से भटकाओ। अच्छा जी ट्वेंटी की बात करते करते महालक्ष्मी का जिक्र तो किया आपने। जी ट्वेंटी से हटके कुछ बोलूं, अभी मैं बोलूं राहुल गांधी चाइना जाते हैं, किस हैसियत से वो एग्रीमेंट करते हैं, एमओयू करते हैं, आप कहेंगे आप मुद्दे से भटक रहे हैं। अच्छा चलिए मोरबी कुल मिला के मोरबी पे सवाल ना करूं। नहीं मोरबी पे आप करिए, मोरबी पर एपिसोड आप कई दिन से चला रहे हैं। अच्छा चलिए मैं मोरबी पर जवाब दूंगा आपको। ओके ओके ओके, मैं फाइनल कमेंट आपका ले रहा हूं अश्वनी जी, लेकिन दो तस्वीरें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और उन तस्वीरों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल कुछ नहीं, बस ये क्लैरिफिकेशन चाहिए और बहुत अच्छी बात भी है। ये देश के प्रधानमंत्री ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया, ये संजोग है या प्रयोग है? ये बात विपक्ष पूछ रहा है, कह रहा है कि एम्बुलेंस उसी समय कैमरा आता है, उसी समय फोटो खिंच जाती है, ये एकाएक कैसे हो गया? देखिए विपक्ष तो सवाल पूछ सकता है, पूछे, उसको आरोप लगाना काम है। पहले तो काफी जो है एक पूरी फौज चलती थी कैमरा लेकर, दूसरे जहाज जाते थे पहले के प्रधानमंत्री लोगों के साथ, अब तो कम से कम डीडी वन अपना दूरदर्शन का एक कैमरा रहता है, वो जाता है। तो इस कैमरे पर बहुत सवाल उठाते हैं, और अगर एम्बुलेंस को रास्ता देना गलत है तो कोई विपक्ष का जो सवाल उठा रहा है वो बोल दे। अश्वनी जी, अश्वनी जी गलत है, प्रधानमंत्री जी गलत कर रहे हैं बार-बार। अश्वनी जी विपक्ष दरअसल नहीं देना चाहिए उनको रास्ता, विपक्ष दरअसल ये कह रहा है, ये तस्वीरें जो आपने देखी, विपक्ष दरअसल ये कह रहा है कि क्या ये प्रधानमंत्री के काफिले में अगर एम्बुलेंस आती है एकाएक और उसकी तस्वीर भी खिंच जाती है, क्या ये चूक नहीं है सुरक्षा में? अब ये इसका जवाब एसपीजी देगी, माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, अगर कोई मोबाइल से उसका वीडियो बनाकर वो कर रहा है एम्बुलेंस को, आप ये बताइए कि एम्बुलेंस में मरीज मर जाए उसको आगे नहीं जाने देना चाहिए, ये सच है या प्रधानमंत्री जी के काफिले को जाना चाहिए? ये बता दे, अगर संवेदनहीनता है तो वो जवाब विपक्ष से आएगा, अगर संवेदनशीलता है तो जवाब आएगा। में एक बात कॉमन है, प्लीज प्ले करिएगा तस्वीर दिखाई, वो कह रहे हैं कि तस्वीर जो है एक बात कॉमन है कि गाड़ी के अंदर से ये तस्वीर खींची गई है। तो क्या गाड़ी के अंदर किसी के पास मोबाइल नहीं रहता है क्या? आजकल ये बताइए, आजकल एक्सीडेंट हो जाता है लोग वीडियो बनाते हैं, आजकल कोई भी चीज आता है वीडियो बनाते हैं, कोई भी अगर मैं आपको कहीं बुरा भला बोल रहा हूँ चार लोगों के सामने तो उसकी वीडियो आपके पास पहुंच जाती है। आजकल ये आईटी का जमाना है, सबके हाथ में एंड्रॉयड है, कभी भी बन सकता है। ओके, और ओके, अच्छी चीज है ओके, ये तो प्रधानमंत्री जी का आपका दिखाता है कि संवेदनशील प्रधानमंत्री है, संवेदनशील विपक्ष है, बहुत अच्छी बात है ये। हाँ जल्दी से मुन्ना जी, ये इसमें दिक्कत क्या है? अगर देश के प्रधानमंत्री एम्बुलेंस को रास्ता दे रहे हैं उसमें दिक्कत क्या है? नहीं नहीं, दिक्कत रास्ता देने में नहीं है, दिक्कत वहाँ सुरक्षा से चूक में भी है। जिस तरीके से आपने पंजाब में देखा किस तरीके से सुरक्षा में थोड़ी सी चूक थी, क्या पूरे देश के अंदर हाहाकार मच गए, तो मैं समझता हूँ सुरक्षा के चूक का भी मसला है। एनएसजी है जिनके ऐसा ही है प्रेम जी। दूसरा सवाल, पंजाब में उनके काफिले को रोका गया था। प्रेम जी प्लीज जल्दी से वक्त खत्म हो गया। देखिए ये संवेदनशीलता है प्रधानमंत्री जी में, यही बताने के लिए तो ये वीडियो प्रसारित हुआ है और ये वीडियो कार के अंदर से लिया गया है, तो ये एक्सीडेंटल वीडियो है, ये प्रायोजित है, इसी पर इसी को लेकर के बाद विवाद है और स्पष्टीकरण है। हम कामना करते हैं कि प्रधानमंत्री जी में ऐसी संवेदनशीलता रहनी चाहिए कि एम्बुलेंस को पास करने दिया जाए। नहीं, ये सब में होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, जब भी एम्बुलेंस दिखाई दे तो तुरंत रास्ता दीजिए। ओके अरविंदर जी, इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी एम्बुलेंस दिखाई दे तुरंत सब लोग रास्ता दीजिए, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंदर जी, आपका भी, अश्विनी जी आपका भी, मुन्ना जी आपका भी, प्रेम सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या कमल पर सवार ये सियासी बवाल राजनीतिक नजरिए से एक बड़ा मुद्दा बनेगा आने वाले वक्त में, क्योंकि बेशर्मी का जिक्र जयराम रमेश ने किया, फोटो बेशर्मी है, कमल की फोटो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।